उज्जैन के कपिलेश्वर महादेव मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को समापन हो गया। बड़ी संख्या में कथा में भक्त और श्रद्धालु मौजूद थे। कपिलेश्वर महादेव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु रहे। इस समापन में होने वाले कार्यक्रम पर यहां पर श्रीमद् भागवत पुराण चल समारोह निकाला गया और प्रसादी वितरण की गई। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राष्ट्र में सब सुखी रहे और निरोगी रहे की कामना को लेकर किया गया था। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खुशी का समां तेरे करीब आ गया है, खुशी का समां तेरे करीब आ गया। और भगवान कृष्ण सुदामा का स्वागत करें आप दोनों हाथ उठा करके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, खुशी का समां तेरे करीब आ गया है, खुशी का समां तेरे करीब आ गया है, खुशी का समां तेरे करीब आ गया है, खुशी का समां तेरे करीब आ गया है। भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया, देख सुदामा करके करुणा निधि रोए। बड़नगर तहसील का और किस प्रकार से यह धार्मिक पहचान रखता है और क्या रहता है? बड़नगर तहसील का ये कपिलेश्वर धाम है, तो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे विगत 20 वर्षों से भागवत कथा चल रही है और यहाँ आस पास 50 गाँव के लोग इस कथा को श्रवण करते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे समिति वाले को, ले धार्मिक कार्यक्रम करते हैं उस प्रकार धर्म के प्रति? कपिलेश्वर समिति लगातार धार्मिक ठीक है। ऐसा बताइए किस प्रकार से कितने दिन की कथा थी और कहाँ किस प्रकार समापन रहा और क्या रहेगा? बल्लेगढ़ तहसील विधानसभा क्षेत्र का गांव है बल्लेडी और यहाँ 20 वर्षों से भागवत जी कथा का ज्ञान गंगा बह रहा है और समापन हो रहा है। कहाँ कहाँ से भक्त पहुँचते हैं वो क्या रहता है? करीब 40-50 गाँव से भक्त सभी यहाँ पधारते हैं और मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन सभी सहयोग से, सभी लोग के सहयोग से किया जाता है। नसने तन पे ही जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।